जैसे आपको मालूम है, हर साल 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। और जो इनका ये जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम सुशासन दिवस कहते हैं। और ये जो सुशासन दिवस है, ये दिवस को मनाने के लिए, इस दिवस को समझने के लिए और इस दिवस के यहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 60-65 साल का बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र है, जो तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे देश में शासन सिखा दिया गया था हमें अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ जब आए थे तो उन्होंने शासन करना सिखा दिया, लेकिन वाजपेयी जी अपने बचपन से ही, जिस दिन से उनका जन्म हुआ उसके बाद जो उनका पूरा एक सफ़र रहा है, प्रजा परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनने तक, और उसके बाद जो उनका सफ़र रहा है, उसमें उनकी बहुत ही एक जिदोजहद रही है, बहुत ही ज़्यादा उनकी एक स्ट्रगल रही है, जिसमें उन्होंने एक शासन को सुशासन में कैसे बदला जाए उसके ऊपर बहुत सोच विचार किया। और वो चीज़ें जो हैं उनके रोज़ के काम करने के ढंग में दिखती थी, रोज़ उनके समझने में, बात करने में वो समझ आती थी, दिखती थी। और जब हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न जब उनको मिला उस बाद में, उससे पहले जब उनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो उन्होंने इस देश में सुशासन की नींव रखी कि सुशासन जो है वो क्यों ज़रूरी है और उसके मायने क्या होते हैं। उनका मानना ये था कि जो सुशासन होता है, वो शासन के बाद जब उसमें अनुशासन जुड़ जाता है तो वो सुशासन होता है, और जब तक आप उसमें शासन करते रहते हैं तो वो सिर्फ एक सरकार का काम करने का ढंग हो सकता है, जिसमें सरकार एक जगह में बैठ के और राज्य करती है, लेकिन जब आप उसके बीच में कुछ बिंदु मिला देते हैं तो वो सुशासन बन जाता है।